हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीजी के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है दोस्तों इस वीडियो में डीजी के टोटल बाईस पार्ट के बारे में देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा उसको थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे दोस्तों वैसे तो डीजी में बहुत सारे पार्ट होते हैं हम इस वीडियो में खाली बाईस पार्ट के बारे में देखेंगे और इंटरव्यू में कौन कौन से पार्ट के बारे में ज्यादा पूछा जाता है वो भी देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट है डीजल डीजल टैंक दोस्तों डीजी को चलाने के लिए डीजल का यूज किया जाता है जो ट्रकों के अंदर डीजल डाला जाता है वो पेट्रोल पंप पे 60 से 80 रुपए के आसपास के मिल जाते हैं बट दोस्तों जो डीजी के अंदर डीजल डाला जाता है वो थोड़ा महंगा आता है 160 रुपए से लेके 250 रुपए तक का आता है डीजल डीजी वाला जो डीजल है वो इतना महंगा इसलिए क्योंकि वो पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है डीजल टैंक का यूज डीजल को स्टोर करने के लिए किया जाता है नॉर्मली 500 लीटर या तो हजार लीटर का डीजल टैंक होता है कितने लीटर की कैपेसिटी का हम टैंक बनाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितने देर का बैकअप देना चाहते हैं सेकेंड पॉइंट है फ्यूल वाटर सेपरेटर दोस्तों कई कई जगहों पर डीजी को ओपन में रखा जाता है तो जब बारिश का मौसम आता है तो डीजल टैंक के अंदर और डीजी के अंदर थोड़ा बहुत पानी घुस जाता है डीजल टैंक के अंदर अगर पानी घुस गया तो वो पानी डीजल के साथ होते हुए इंजन के अंदर चला जाएगा और अगर पानी इंजन में चला गया तो इंजन के अंदर रस्ट लगना शुरू हो जाएगा मतलब जंग पकड़ना शुरू हो जाएगा जिससे कि इंजन की लाइफ कम हो जाएगी तो अगर फ्यूल में पानी होगा तो यहाँ पे उसको अलग कर लिया जाता है थर्ड पॉइंट फ्यूल फिल्टर और ऑयल फिल्टर दोस्तों कई बार हमारा जो डीजल होता है उसके अंदर थोड़े बहुत कचरे होते हैं और जो डीजल टैंक होता है उसके अंदर भी कचरा जमा हो जाता है ये कचरा हमारे इंजन के अंदर ना जाए इसके लिए हम लोग ऑयल फिल्टर का यूज़ करते हैं तो जितना भी डीजल के अंदर कचरा होता है उस कचरे को यहीं पर निकाल लिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुएटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है एक्चुएटर का क्या काम होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे दोस्तों मान लो कि मेरा पंद्रह सौ के का डीजी है जो कि बारह सौ केवी के लोड को चला रहा है तो उस टाइम पे मान लो कि मेरा डीजी एक घंटे तक चला और उसने दो सौ लीटर डीजल यूज कर लिया बट दोस्तों समझ लो वही डीजी अगर मेरे सौ के के लोड को चला रहा है तो उसने एक घंटे में पचास से साठ लीटर डीजल का यूज किया मतलब बारह सौ के लोड पर दो लीटर पर आर डीजल यूज हुआ और सौ के के लोड पर पचास से साठ

प्रोवाइड करता है नॉर्मली डीजी में जितने भी इंजन यूज होते हैं वो फोर स्टॉक इंजन होते हैं अल्टरनेटर को मैकेनिकल पावर इस इंजन की सहायता से ही मिलता है रोटेटिंग मैकेनिकल पावर अल्टरनेटर को देता है और अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट पॉइंट है लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर दोस्तों लुब्रिकेंट ऑयल को लूब ऑयल भी बोला जाता है लुब्रिकेंट ऑयल का यूज फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है जितने भी मूविंग पार्ट होते हैं वहां पे लूब ऑयल का यूज किया जाता है तो लूब ऑयल के अंदर अगर कोई छोटे मोटे कचरे होंगे तो उसको भी फिल्टर करना जरूरी है तो लूब ऑयल को इंजन में डालने से पहले उसको फिल्टर किया जाता है फिल्टर की सहायता से नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी लूब ऑयल पंप लुब्रिकेंट ऑयल को हर जगह पहुंचाने के लिए हम लोग पंप का यूज करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है टैंक दोस्तों लुब्रिकेंट ऑयल को फ्रिक्शन फ्रिक्शन वाली जगह पे पे डाला जाता है friction होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है हीट होने की वजह से लूब ऑयल बहुत ही हो जाता है सो लूब ऑयल को ठंडा करना भी बहुत ही जरूरी है तो लूब ऑयल को ठंडा करने के लिए वॉटर का यूज किया जाता है ये नॉर्मल वाटर नहीं होता है ये डिस्टिल वाटर होता है तो कोलन टैंक का यूज डिस्टिल वाटर को स्टोर करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएटर एंड फैन लूब ऑयल गर्म होने की वजह से वाटर भी गर्म हो जाता है तो रेडिएटर एंड फैन की सहायता से वाटर को ठंडा किया जाता है दोस्तों जब डीजी चलता है तो इंजन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इंजन को ठंडा करना भी बहुत ही जरूरी है तो फैन की सहायता से इंजन को ठंडा किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल पैनल एंड पावर कैम दोस्तों कंट्रोल पैनल से हम लोग डीजी को ऑन ऑफ कर सकते हैं और कंट्रोल पैनल में डिस्प्ले भी होता है जिसकी सहायता से हम लोग बैटरी का वोल्टेज डीजी कितने फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है डीजी का आउटपुट वोल्टेज कितना है ये सब उस डिस्प्ले पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एयर फिल्टर दोस्तों एयर का यूज इंजन को चलाने के लिए किया जाता है मतलब डीजल के साथ ही एयर का भी यूज होता है इंजन को चलाने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है टर्बो चार्जर दोस्तों इंटरव्यू में टर्बो चार्जर के बारे में बहुत से क्वेश्चन किए जाते हैं टर्बो चार्जर का दो काम होता है पहला है एयर फिल्टर होने के बाद जो एयर आती है उस एयर को कंप्रेस करके इंजन में डाला जाता है टर्बो चार्जर की सहायता से मतलब एयर को कंप्रेस करके गर्म किया जाता है और इंजन में डाल दिया जाता है टर्बो चार्जर का यूज करके दूसरा फंक्शन होता है टर्बो चार्जर का कि इंजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है टर्बो चार्जर दोस्तों टर्बो चार्जर के ऊपर पेंट नहीं किया जाता है क्योंकि जब टर्बो चार्जर चलता है तो वो बहुत ही गर्म हो जाता है तो अगर हम लोग उसके ऊपर पेंट कर देंगे तो गर्म होने की वजह से वो पेंट छूट जाएगा इसके लिए पेंट नहीं किया जाता टर्बो चार्जर के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंसर दोस्तों जब डीजी चलता है तो वो बहुत ज्यादा आवाज करता है तो हम लोग साइलेंसर का यूज़ करके उस नॉइज को कम करते हैं और दोस्तों हमारे इंजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उस गैस को भी फिल्टर करता है साइलेंसर मतलब गैस को साफ करने के लिए भी साइलेंसर का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है कपलिंग दोस्तों हमारा जो इंजन होता है उसका रोटर और अल्टरनेटर का रोटर को जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का यूज़ करते हैं तो कपलिंग करने की वजह से हमारा इंजन जब घूमता है तो साथ में वो अल्टरनेटर के रोटर को भी घुमाता है नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस अल्टरनेटर के थ्रू ही किया जाता है दोस्तों डीजी के अंदर जो अल्टरनेटर यूज किया जाता है वो ब्रशलेस अल्टरनेटर होता है इसमें स्टेटर एंड रोटर दो वाइंडिंग होती है दोस्तों आप लोगों को अगर फुल डिटेल वीडियो चाहिए की अल्टरनेटर एग्जेक्टली exactly कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए अगर ज्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट पॉइंट है एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों थ्री फेस का स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 415 वोल्ट तो डीजी अगर 420 वोल्ट दे रहा है या तो अगर 410 वोल्ट दे रहा है तो एवीआर वोल्टेज को कंट्रोल करके 415 के ऊपर लेके आता है मतलब एवीआर डीजी के आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है नेक्स्ट पॉइंट है एक्साइटर दोस्तों एवीआर वोल्टेज को कंट्रोल करता कैसे है तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एवीआर हमारे एक्साइटर को कमांड देता है और एक्साइटर वोल्टेज को ऊपर नीचे करता है जिसकी वजह से अल्टरनेटर के आउटपुट में हमें 415 वोल्ट मिलता है दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है रोटरी रेक्टिफायर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है रोटी रेक्टिफायर को मैं डिटेल में समझा दूंगा अल्टरनेटर वाली वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी दोस्तों नॉर्मली डीजी के अंदर 12 12 वोल्ट की दो बैटरी का यूज किया जाता है और उन दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है जिससे कि 24 वोल्ट आउटपुट मिले हमें बैटरी को नॉर्मली पेयर्स में कनेक्ट किया जाता है मतलब या तो दो बैटरी को यूज़ किया जाता है या तो चार बैटरी को यूज़ किया जाता है या तो छः बैटरी को यूज़ किया जाता है ऐसा नहीं कि तीन बैटरी को यूज किया गया हो या तो पाँच बैटरी को यूज किया गया हो नेक्स्ट पॉइंट है क्रैंक मोटर दोस्तों जब डी को स्टार्ट किया जाता है तो क्रैंक मोटर पहले डीजी के रोटर को घुमाता है 90 परसेंट स्पीड जब डीजी पकड़ लेता है तो मोटर ऑफ हो जाता है और इंजन अल्टरनेटर को घुमाने लगता है तो बैटरी का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि हमारे क्रैंक मोटर को स्टार्टिंग में सप्लाई मिल सके जिससे कि हमारा इंजन सेल्फ़ स्टार्ट हो जाए मतलब दोस्तों पहले के जो छोटे इंजन होते थे उसको हम लोग हाथ से घुमा के चालू करते थे बट क्रैंक मोटर एंड बैटरी का यूज़ करके हमें इंजन को हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो सेल्फ़ स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर दोस्तों अल्टरनेटर को 50 हर्ट्स मेंटेन करने के लिए रोटर को 1500 सौ पे घुमाना पड़ता है वो भी डिपेंड करता है कि कितने पोल का अल्टरनेटर है बट नॉर्मली रोटर का स्पीड 1500 सौ पे मेंटेन किया जाता है दोस्तों जब लोड कम ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारी स्पीड भी कम ज़्यादा होती है तो अगर स्पीड 1500 से कम ज़्यादा होगी तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा तो हमारा जो गवर्नर होता है वो स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करता है 1500 सौ पे नेक्स्ट पॉइंट है फ्लाई व्हील दोस्तों हम लोग फ्लाई व्हील को रोटर के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो जब दोस्तों हमारा रोटर 1500 सौ आर पी घूमता है और अगर लोड में चेंजेस हो भी रहे तो हमारा जो रोटर का स्पीड है वो मेंटेन करने के लिए हम लोग फ्लाई व्हील का यूज़ करते हैं मतलब फ्लाई व्हील का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अचानक स्पीड में चेंजेस न हो पाए दोस्तों अब हम लोग लास्ट पॉइंट देख लेते हैं लास्ट पॉइंट है सर्किट ब्रेकर दोस्तों अगर लोड ज़्यादा हो जाए डीजी जी की कैपेसिटी से और अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सर्किट ब्रेकर हमारे डीजी को प्रोटेक्ट करता है मतलब नॉर्मल जो सर्किट ब्रेकर का फंक्शन होता है वही सेम फंक्शन यहाँ भी होता है मतलब ओवरलोड पे हमारा प्रोटेक्शन देता है और शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन देता है दोस्तों अगर आप लोगों को अल्टरनेटर के ऊपर वीडियो चाहिए कि वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो कमेंट करके नीचे बताइए तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे आप लोगों की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में